जहाँ तक मैं समझती हूँ, मजहबी रवादारी, अमन और बर्दाश्त ये इंसानियत का लाजमी जुज हैं। अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो इंसान है, और अगर इंसान है तो इंसानियत भी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छे बहुत अहम इशू था कि जिस पर आपने हमारी तवज्जो मबजूल की और हम सब इस जानिब मुतवज्जो हुए। अब मैं ये समझती हूँ कि किसी हद तक आफ्टर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप मैं समझती हूँ कि थोड़े से कुछ इस तरह की जो है ना बाइसनेस ये मौजूद है, और इस पर मीडिया के लोगों को सोचना है और इन इशूज़ को सामने भी लाना है कि हमारे मुल्क में मिनॉरिटीज़ क्या वाकई मुतमईन है। अगर नहीं या किसी हद तक, तो हम उन्हें मुकम्मल तौर पर मुतमईन कैसे कर सकते हैं। जी, मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत मेरे लिए ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा। एक तो ये इसकी भी बहुत सारे एलिमेंट्स और फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखें मरी के पुरफजा माहौल में आप बहुत ज़रा थोड़ा सा वैसे ही सेंसिटिव हो जाता है बंदा, थोड़ा खुद से मिलने का टाइम मिलता है। ये और बात है कि हमने तो खैर माशाल्लाह आपकी वर्कशॉप में ही बहुत ज़्यादा टाइम दिया, लेकिन एक बड़ा हमें सूदिंग इफेक्ट मिला, क्योंकि हम भी इन इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं और हमें एक तरह से प्लेटफॉर्म मिला, हमें ओपिनियंस अपने बच्चों की और भी ज़्यादा खुल खुला के सुनने का मौका मिला, हमने खुद इन डिस्कशंस में हिस्सा लिया। और बहुत मैं समझती हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप का इनका या इनको कंडक्ट करना बहुत ज़बरदस्त कदम है और ये होनी चाहिए।